हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहितम प्रकाश। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में कि फर्स्ट पेपर में सेकेंड यूनिट में हार्डमानिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी बॉडी के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। डिवीजन ऑफ द बॉडी ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया की बॉडी को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है बॉडी प्रॉपर। बॉडी प्रॉपर का है क्या है, आइए देखते हैं। यह बॉडी का स्वतंत्र यानी फ्री पार्ट होता है। इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, इसमें दो प्रोजेक्शंस होते हैं, एक ब्रैंकियल साइफन और दूसरा एट्रियल साइफन। इसमें से ब्रैंकियल साइफन छोटा होता है, इसकी ओपनिंग ब्रैंकियल अपर्चर या ब्रैंकियल माउथ इसी से पानी बॉडी के अंदर आता है। एट्रियल साइफन बहुत बड़ा होता है तथा इसकी ओपनिंग एट्रियल एपर्चर कहलाती है और इसी से पानी बॉडी के बाहर जाता है। प्रत्येक एपर्चर के गार्जियन फोर सेंसिटिव लिप्स के द्वारा होती है। यह टेस्ट से बनते हैं। थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होने पर ये साइफन सिकुड़ जाते हैं और ओपनिंग बंद हो जाती है। अब इसका अगला पार्ट होता है फूट। फूट में हम डिवाइड करते हैं फूट केवल टेस्ट का बना होता है। यह सैंड पार्टिकल्स सेल्स के टुकड़ों एवं अनफॉरिजन बॉडी के कारण रफ दिखाई देता है। फूट का साइज एंड डायमीटर चौड़ा होता है। अगर सबस्ट्रेटम हार्ड होती है तो फूट चौड़ा तथा चपटा होता है, लेकिन सैंडी बॉटम पर यानी जहां पर रेत ज्यादा होता है तो वहां पर फूट नैरो, इलोंगेटेड या ओवल हो जाता है। नैरो, इलोंगेटेड या ओवल हो जाता है। अटैचमेंट के साथ फूट बॉडी को बैलेंस भी करता है, यानी जब इसका अटैचमेंट होता है तो बॉडी बैलेंसिंग फूट के द्वारा ही होती है। इस तरह से ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। अब बात करते हैं हम इसकी ओरिएंटेशन की, तो इसकी ओरिएंटेशन क्या है आइए देखते हैं। ओरिएंटेशन, हार्डमानिया की बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप का ओरिएंटेशन होता है। इसमें दोनों फ्लैग सरफेस की बॉडी राइट व लेफ्ट साइड में लैटरल साइड बनाती है। इसमें
एट्रियल व डोर्सल एंड की पहचान ब्रैंकियल व एट्रियल अपर्चर्स द्वारा होती है। इनकी अपोजिट साइड पोस्टीरियर व वेंट्रल होती है। अब बात करते हैं हम इसके टेस्ट की, तो इसका टेस्ट कैसा होता है आइए देखते हैं। हार्डमानिया की पूरी बॉडी पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम टेस्ट कहते हैं। यह सॉफ्ट और 4 से 8 मिलीमीटर मोटी तथा कुछ पारदर्शक सी होती है, यानी सम परमिएबल। टेस्ट रिंकल्ड होता है क्योंकि इसकी पूरी सरफेस पर फोल्ड पाए जाते हैं और यह समय समय पर टूटता है और नए टेस्ट की फॉर्मेशन मेंटल की एपिडर्मिस से होती है। टेस्ट पर कई ऑर्गेनिज्म चिपके होते हैं। यह सॉफ्ट कार्टिलेज की तरह से काटा जा सकता है और इसकी फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार होती है, आइए देखते हैं। इसमें पहला पार्ट मैट्रिक्स है। यह टेस्ट का ब्राउन सब्सटेंस है जो ट्यूनिसिन नामक पॉलीसैक्राइड का बना होता है। यह सेलुलोज जैसा होता है। इसमें कुछ प्रोटीन्स तथा मिनरल्स भी पाए जाते हैं। टेस्ट में अगला पार्ट है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या हैं? आइए देखते हैं। पूरे टेस्ट में ब्लड वेसल्स फैली होती हैं। इसकी अनेक शाखाएं सरफेस पर पहुंचकर ओवल शेप्ड एम्पुला बनाती हैं और इनका कलर रेड होता है। एम्पुला एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रिसेप्टर ऑर्गन का काम करते हैं। अब बात करते हैं स्पिक्यूल्स की, तो इसका स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं आइए देखते हैं। टेस्ट में बहुत सारे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं और सभी स्पिक्यूल्स में छोटी छोटी स्पाइंस होती हैं। स्पिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, पहला माइक्रोस्क्लियर्स यह साइज में बेहद छोटे तथा पेपर पिन जैसे होते हैं क्योंकि इनका हेड पिन की तरह गोल तथा बाकी हिस्सा पतला होता है। अगला है मेगा स्क्लियर्स। यह बड़े साइज के स्पिक्यूल्स हैं जो हार्ट को छोड़कर बाकी सभी में फैले होते हैं। यह या तो मेगा स्क्लियर्स, ये बड़े साइज के स्पिक्यूल्स हैं जो हार्ट को छोड़कर बाकी सभी में फैले होते हैं। यह या तो स्पिंडल शेप्ड या पिपेट सेप होते हैं। पिपेट सेप स्पिक्यूल्स में बीच का भाग फूला हुआ होता है जबकि स्पिंडल सेप स्पिक्यूल्स मुड़ा होता है और
बंडल्स में पाए जाते हैं। स्पीक्यूल्स इंटरनल सपोर्टिंग एंडोस्केलेटन बनाते हैं। अब इसका अगला पार्ट है टेस्ट का, वो फाइब्रस। पूरे टेस्ट में फाइबर्स का एक जाल फैला होता है, इनमें से कुछ स्मूथ मसल फाइबर व कुछ नर्व फाइबर होते हैं। अगला है सेल्स। टेस्ट का अगला पार्ट है सेल्स। तो सेल्स क्या है आइए देखते हैं। मैट्रिक्स में मीजोडर्मल उत्पत्ति वाले 6 या 7 टाइप के कार्पल्स होते हैं। ये लार्ज इसिनोफिलस सेल्स, स्मॉल इसिनोफिलस सेल्स, स्पीरियर सेल्स, वैक्यूलेटेड सेल्स, नर्व सेल, ग्रैनुलर रिसेप्टर सेल्स और अम्यूबॉइड सेल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ टेस्ट की। तो टेस्ट के फंक्शंस क्या हैं आइए देखते हैं। टेस्ट एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह से वर्क करता है, क्योंकि इससे गैसों का डिफ्यूजन हो जाता है। दूसरा, टेस्ट एक रिसेप्टर ऑर्गन की तरह से वर्क करता है। टेस्ट बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। अगला पॉइंट, इसमें पाए जाने वाले स्पिक्यूल्स बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाते हैं। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।